और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। दूसरे राज्यों के लोगों को घर भेजने की यहां पर व्यवस्था की जा रही है। लगातार राज्य सरकार के निर्देश पर दूसरे राज्यों के व्यक्तियों को अपने घर घर में भेजने के लिए यहां पर व्यवस्था की जा रही है। सिंधी कैंप बस स्टैंड से बसें जो रवाना होनी है, हजारों की संख्या में लोग सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचे और यहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग को इतने दिन से जो मेंटेन करने की प्रशासन जो अनाउंसमेंट और कोशिशें लगातार कर रहा था, उन सभी चीजों की धज्जियां यहां पर उठती हुई नजर आई। इतने सारे लोग एक संख्या में वहां पर पहुंचे और सरकार के आदेशों की यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि व्यवस्था में जुटी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर भी नजर आई, लेकिन एक बारगी के लिए इतने सारे लोगों के जमावड़े ने यहां पर पुलिस को भी असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको अपने अपने घरों पर भेजने के लिए, अपने गंतव्य पर भेजने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर ही ये व्यवस्था की गई थी। हालांकि व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला जा सका। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और अपने अपने घरों को जाने के लिए बेताब ये लोग दिखाई दिए। प्रशासन ने जो डिस्टेंस मेंटेन करने का अनाउंसमेंट इतने समय से किया था, उस अनाउंसमेंट की धज्जियां यहां पर उड़ गई। लोगों के जमावड़े ने अब तक के लॉकडाउन पर यहां पर एक बारगी के लिए पानी फेर दिया और सरकार के आदेश के बाद एकदम से सिंधी कैंप पर यहां पर भीड़ देखने को मिली। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से इस भीड़ को यहां से हटाने के लिए और लोगों को सिलसिलेवार तरीके से अपने अपने गंतव्य तक छुड़वाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, अभी भी डटी हुई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी कयास इतने दिनों से किए जा रहे थे, आज चौथा दिन है देश भर में लॉकडाउन का। लोगों को अपने घरों पर रहने की यहां पर तमाम लोगों से यहां पर अपील की जा रही थी। उन्हें काफी समय से यही कहा जा रहा था कि घरों पर रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अपने अपने घर तक पहुंचने के लिए लोग भी काफी बेबस और काफी ज्यादा तत्पर कहा जा सकता है कि इतने दिन से थे। और जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें घर तक भेजने के लिए प्रशासन ने यहां पर व्यवस्था की है, खुद सरकार के निर्देश पर यहां पर बसेस की व्यवस्था की गई सिंधी कैंप बस स्टैंड से, तो एक बार के लिए यहां पर बिना व्यवस्था को तोड़ते हुए किसी भी प्रकार की व्यवस्था को मद्देनजर नहीं रखा लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार के लिए ताक पे रखकर हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर देखने को मिला। क्योंकि सरकार के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई थी तो लोगों को इस चीज से काफी उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचने पर अचानक से काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस वहां पर हालांकि मौजूद है और अभी तक भी लोगों को हटाने की वहां से कोशिशें की जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनाउंसमेंट सरकार कर रही थी उसको लेकर के एक बार का पानी इस पूरे खेल पर फिर गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता हनुमंत सिंह चौरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के इतने दिन से जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, एकदम से यहाँ पर पूरा पानी फिरता हुआ नजर आया। किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी और क्या अभी फिलहाल वहाँ की व्यवस्था है, क्या स्थिति को संभाल लिया गया है? बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि जो है रोडवेज के माध्यम से बसों को जरूरतमंद लोग है जो अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको पहुंचाया जाएगा, इसके ऐलान के बाद ही जयपुर शहर के जो है दुनिया भर के जो लोग हैं इधर उधर शहरों में रहते हैं वो लोग उमड़ पड़े और इतनी भीड़ आई कि उसको बेकाबू करना पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद हालांकि पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत में कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के बाद जो है सारे तमाम जो है फेल हो गए। इसके बाद पुलिस अब लगातार प्रयास कर रही है लोगों को समझाई, इसके बाद यहाँ से दूर किया गया। वर्तमान में सिंधी कैंप पर बसों के लोगों को माध्यम से यहाँ बैठा जा रहा है, इसके अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर जो पॉइंट निर्धारित किए गए हैं वहाँ भेजा जा रहा है। लोग बीवी बच्चों अपने परिवार के साथ, न केवल बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है, सामान ले हुए, क्योंकि निजी वाहन चल नहीं रहे तो उनको काफी परेशानी हो रही है। तो लेकिन ये कोरोना वायरस को लेकर जो लगातार सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही थी, तो ये फैसला कोरोना वायरस के लिए कहीं घातक साबित हो सकता है। जी हनुमान, तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम काफी ज्यादा एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। क्या बताया जा रहा है, कितने बसेस की वहां पर अभी माकूल व्यवस्था है और किस प्रकार से ये बसेस लोगों को छोड़ने वाली है? क्या राजस्थान के अंदर ही अभी वो स्थान निर्धारित चिन्हित किए गए हैं या फिर राजस्थान से बाहर भी बाउंड्री क्रॉस कर ये बसेस जाने वाली है? ये बसेस जो है राज्य की सीमा तक पहुंचा, फिलहाल जो है अभी राज्य के अंदर जिले हैं उसमें भी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो है शहर में जो अलग अलग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं
जिसके माध्यम से अलग अलग जो सीमा है शहर की उसके अनुसार बसें निर्धारित की गई, लोगों को कहा गया। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें, राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के जितने दिन से यहां पर प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि आज सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन चौथे ही दिन लोगों ने अपना सब्र का बांध यहाँ पर तोड़ दिया। जैसे ही घोषणा हुई कि लोगों को उनके घरों तक छोड़ा जाएगा, बेबस लोग एक साथ में काफी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर आप देख सकते हैं। राजधानी जयपुर से खबर, कोरोना को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत